नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। दोस्तों अभी तक राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दे रहा है 60,000 से ज्यादा सैलरी। अगर आप ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन रखते हो तो क्या है पूरा अपडेट इस वीडियो में, यानी कौन सी भर्ती आई है जिसमें 60,000 से ज्यादा सैलरी दे रहा है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दे रहा है 60,000 से ज्यादा सैलरी, उम्मीदवार का स्नातक होना जरूरी। या दोस्तों इस वीडियो में पूरी बात करेंगे तो वीडियो को देखिए पूरा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति NHM बिहार के सहायक लोक विश्लेषण, वरीय विश्लेषण, सहायक रासायनिक विश्लेषण, कनीय विश्लेषण, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के खाली पदों पर नियुक्ति के आवेदन मांगे। योग्य उम्मीदवार जो पदों पर आवेदन करने की इच्छुक हैं वे बिना समय गवाए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और दिए गए लिंक पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करें। मैं पूरा दिखाऊंगा दोस्तों नोटिफिकेशन वगैरह कैसे क्या है। या दोस्तों NHM दे रहा 60,000 से ज्यादा सैलरी, किन किन पदों पर क्या सैलरी है, तो दोस्तों बिना गवाए आप आवेदन करें। सहायक लोक विश्लेषण पर वेतनमान है 44,000, रिक्तियों की संख्या है 4, वरीय विश्लेषण 44,000, रिक्तियों की संख्या 1, सहायक रासायनिक विश्लेषण 44,000, रिक्तियों की संख्या 1, कनीय विश्लेषण 44,000 रुपए पर मंथ 1 पद, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को 66,000 रुपए पद 1, खाद्य विश्लेषक को 66,000 रुपए पद 6 और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 44,000 रुपए 91 पदों पर। इसके अलावा दोस्तों उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित की गई है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में स्नातक होना आवश्यक है। आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर से आप 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण तिथियां क्या है, आवेदन पत्र जमा करवाने की जो तिथि है दोस्तों 11 सितंबर से चालू हो रही है और 25 सितंबर तक आप लास्ट अंतिम आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा क्या है, सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष मैक्सिमम, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 वर्ष यहाँ पे आयु उम्र सीमा रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसका लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार आवेदन भी कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दे रहा 60,000 से ज्यादा सैलरी। दोस्तों यह वही साइट है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले आपको रेफरेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना। फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पे लिखा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑफ फूड सेफ्टी प्रोग्राम ऑफ स्टेट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हो। दोस्तों आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसकी योग्यता है आप आसानी से इसमें देख सकते हैं किस पद के लिए क्या योग्यता रखी गई है। दोस्तों ये लगभग सभी जो पोस्ट हैं साइंस जो सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की है रसायन शास्त्र से उनके लिए हैं, तो जो साथी इच्छुक हैं वो जल्द से जल्द जाएं और आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 44 से लेकर 60,000 तक 66,000 तक सैलरी दी जा रही है। कोई एग्जाम बेस नहीं, सीधी भर्ती है। तो दोस्तों 70% आपको ग्रेजुएशन के मिलेंगे, उच्चतर डिग्री है तो 10 नंबर उसके और आपको अनुभव है तो 20 अंक उसके, ऐसे करके 100 नंबर के आधार पर इसकी वरीयता निकाली जाएगी। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।